नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशुली भंडारी और बात करेंगे ज्ञान व्यापी के सर्वे में और सामने आएगा क्या सच। इसी से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ज्ञान व्यापी परिसर में एएसआई सर्वे जारी, जहां सुबह ही एएसआई की जो टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है। एएसआई टीम परिसर का सर्वे कर रही है। ज्ञान व्यापी परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा और काफी लेयर की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ाई हुई है, जहां पर एक तरफ हिंदू जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पूरा सहयोग जो है वो सर्वे में किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इस पर से पूरी तरीके से बॉयकॉट यहां पर किया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें 4 अगस्त को अपनी जो रिपोर्ट है एएसआई सौंपेगी और कोर्ट के आदेश पर ये एएसआई द्वारा सर्वे किया जा रहा है। सर्वे से नाखुश है मुस्लिम पक्षकार। फिलहाल आपको बता दें, आप देख सकते हैं सुबह से ही लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ज्ञानव्यापी मैं आपको बता दें कि जो एएसआई की टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है। ज्ञानव्यापी में सर्वे कर वीडियोग्राफी जो है वो हो रही है। वजूखाने को छोड़कर परिसर का एएसआई सर्वे कर रही है। ज्ञानव्यापी परिसर में हिंदू पक्षकार भी मौजूद हैं। शुरू होने जा रहा, अब हम लोग जा रहे हैं सर्वे, भाई एएसआई की टीम करेगी और उसमें सारे साक्ष्य हमारे हैं, ये तो हमें विश्वास है। पूरा जो है पूरा मंदिर का ही परिसर है, इसलिए इसमें कहीं विवाद नहीं है। अब सर्वे हो जाए, ऑथेंटिक प्रमाणिक ढंग से जो है सर्वे एक संस्थान अपनी कर ली, संस्था जो है भारत सरकार की संस्था है, ये करे, जो प्रमाण आएगा हमारे पक्ष में ही आएगा। सर, आप लोग की तरफ से कितने लोग हैं सर सर्वे में? अब हमारी तरफ से जो है हिंदू पक्ष की तरफ से हमारी 4 वादिनी बहने हैं और उनके 4 अधिवक्ता हैं। कौन-कौन 4 अधिवक्ता? भाई हमारे गुरु जी हैं श्रीमान हरिशंकर जैन जी, अपने श्रीमान विष्णु जैन जी हैं, हम मैं स्वयं हूँ और हमारे सहयोगी जो है सुधीर त्रिपाठी जी हैं। मुस्लिम पक्ष को हम लोग का विरोध करना इसलिए कि वो सत्य जानते हैं, वरना वो स्वयं सहे उनको तो वो बार बार हमारे शिवलिंग को फगवाड़ा कहते हैं, हमारे मंदिर को मस्जिद बोलते हैं, वही सत्य तो हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं, तो क्यों पीछे हट रहे हैं? पीछे हट रहे इसका मतलब है कि उनके मन में खोट है, वो जान रहे सच्चाई। शुरू होने खुशी, आज हम लोग सबने रात में सोए नहीं है, इतना खुशी था हम लोग को कि हम लोग जाएंगे, जो कुछ पिछले कमीशन में नहीं मिला था वो इस कमीशन सर्वे में हम लोग को मिलेगा देखने के लिए। आज से पूरी तैयारी है, आज हम लोग व्रत भी हैं, सावन का महीना भी है और बहुत कुछ मिलेगा, आज बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, बहुत उल्लास है। हम लोग बहुत खुशी है कि आज हम लोग सर्वे में बाबा के जा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पहली श्रीमद् भागवत कथा मुझे करने का सौभाग्य मिला, आज उसकी पूर्णाहुति है और मैं तो यूं कहूंगा कि मुझे पूर्णाहुति का फल मिल रहा है कि कम से कम सर्वे शुरू हुआ। हृदय का वे तो कब से जुड़ा था, सर का वे आज से शुरू हुआ है और हम लोगों के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने बढ़िया व्यवस्था कर दी है, गंगा और गंगाधर मिल गए। पर मैं बड़ा दुखी होता हूं हमारे नंदी महाराज को देखकर, उनकी प्रतीक्षा अनंत चल रही है और नंदी को न्याय मिलना चाहिए। नंदी महाराज को जिस तरह वो मुख करके बैठे हैं, वो अपने महादेव की प्रतीक्षा में और महादेव प्रकट होकर अपने नंदी के ऊपर कृपा करें। नंदी पर कृपा हो गई तो हम सब पे तो अपने आप ही हो जाएगी। और सब सेक्टर में निरीक्षक या निरीक्षक बैंक की ड्यूटी लगाई गई है। मैं दागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ गेट और बदौलिया से लेकर के बाबा विश्वनाथ गेट तक नो व्हीकल जोन बनाया गया है। किसी प्रकार के 4 पहिया 2 पहिया वाहनों का कोई प्रतिबंध है। वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जल बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है कि कोई भी श्रद्धालु जो है जगह पर आने जाए बार बार अनाउंस किया जा रहा है और पूरे अच्छे तरीके से सारे श्रद्धालु अपना दर्शन पूजन कर रहे हैं। सारे मंदिरों में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मेरा सौभाग्य हम ये समझते हैं कि जो लोअर कोर्ट ने वो दिया था ये ऑर्डर कि सर्वे होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम साइड ने उसको अपोज किया है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल इसके खिलाफ अपील की गई है। तो बेहतर ये होता कि पहले सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देता और उसके बाद ही कोई सर्वे होता। देखिए, ये सब प्रक्रिया के सब्जेक्ट है और माननीय न्यायालय चूंकि पूरे मामले को गहन परीक्षण कराते हुए और सभी पक्षों की बात सुन रहे हैं, तो अभी चूंकि न्यायालय में मामला है इसलिए अलग से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, सभी हम सब लोग आस्था के केंद्र मानते हैं और जितने भी जहाँ भी दुनिया में लोग हैं सभी लोग
आस्था का केंद्र मानते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के निर्णय का हम सब इंतजार कर रहे हैं। चलिए फिलहाल एएसआई की जो टीम है वो सर्वे कर रही है। फिलहाल और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे इस खबर पर सुबह से बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। और साथ ही हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री जी जुड़ गई हैं, पक्षकार श्रृंगार गौरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रंजना अग्निहोत्री जी। रंजना जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, स्वागत है आपका मैम। रंजना अग्निहोत्री जी, क्योंकि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज सावन का सोमवार भी है और आज का दिन विशेष तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो मांग रखी गई थी उस पर आज विशेष तौर पर एएसआई की टीम द्वारा सर्वे जो है वो शुरू कर दिया गया है। निश्चित ही महत्वपूर्ण दिन है और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार आज सर्वे प्रारंभ हो गया है। इसमें सबसे पहले ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे, जिसको जीपीआर सर्वे कहते हैं, कौन कौन से एनिमलीज कहां-कहां है उसका पता लगाया जाएगा। और मुस्लिम पक्ष ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी याचिका फाइल की है, वो अभी लगी हुई है, उसको उसकी सुनवाई भी लगी है, लेकिन यहाँ सर्वे की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मुझे नहीं लगता कि सर्वे की प्रक्रिया, जीपीआर सर्वे की प्रक्रिया और एएसआई सर्वे पे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि एकदम साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है और कानून में भी एविडेंस एक्ट के तहत इसको स्वीकृति दी गई हुई है। सत्य और तथ्य सामने आ जाए तो लोगों के दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाने चाहिए। बिल्कुल, लौटूंगी मैम आपके पास। धर्मेंद्र चौबे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार इस खबर पर सुबह से ही अपडेट हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल अभी वहां पर किस तरीके की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज का दिन विशेष तौर पर कई मायनों में महत्वपूर्ण है और सर्वे बताया जा रहा है जो टीमें हैं एएसआई की वो अंदर मौजूद है। देखिए अंजलि, जो 38 सदस्यीय टीम एएसआई समीक्षण पुरातत्व विभाग की है उसमें प्रमुख रूप से दिल्ली की जो टीम है उनके डायरेक्टर जी हैं और वाराणसी से सात आठ की टीम है, पुरातत्व का एक केंद्र माना जाता है, उसके साथ साथ पटना बिहार से आई हुई एक पुरातत्व की टीम है। तो कहीं ना कहीं ये टीमों का जो डेलीगेट्स है, आर्थिक टीमों का डेलीगेट्स है और विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो पूरा सर्वेक्षण की प्रक्रिया है वो पूरा उत्तर दक्षिण मतलब चारों दिशाओं से जो भारी दीवार है उनका सुरक्षा का कार्य प्रारंभ हो चुका है। उसके साथ साथ और अंदर की कुछ टीम चार भागों में टीम बढ़ चुकी है, कुछ टीमें बाहर कर रही है सर्वेक्षण, कुछ टीमें अंदर कर रही है। जो वजू खाना है खाने को छोड़कर जितने ज्ञानवादी परिक्षेत्र है पूरी तरह से सर्वे उसका जो है सर्वे का कार्य ये पूरा विभाग द्वारा किया जा रहा है। उसके साथ साथ वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा, जिला अधिकारी निगम और पुलिस कमिश्नर अशोक जैन है। अंजलि, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, क्योंकि इस केस में जो टर्निंग पॉइंट है जैसे कि श्री रामलला, उसमें आपको बिंदु ध्यान दिलाना चाहूंगा कि श्री रामलला में जैसे एएसआई सर्वेक्षण का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था और राम मंदिर के मुद्दे में सबसे बड़ा आधार लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बना था, उसी तरह के जो ज्ञानवादी का सर्वे हो रहा है एएसआई टीम द्वारा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो वजू खाने सील किए गए जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में आ रहा है उसको छोड़ के ज्ञानवादी परिक्षेत्र कितने हैं उनके अंदर बाहर मच के जो आकार है वो पूरी तरह से सर्वे कर लिए जाए ताकि कोई तथ्य ऐसे पहुंच छूट सके। उसके साथ साथ ज्ञानवादी परिक्षेत्र के दिवाले है और जमीन है उसको व्यक्ति खुद सर्वेक्षण कराया जा रहा है उसका स्पष्ट है। तो कहीं ना कहीं जो पुरातत्व की टीम है जो चार भागों में पूरी तरह से सर्वेक्षण कर रही है उसके साथ साथ इसके बाद गुप्त का जो भाग बाकी बना है ज्ञानवादी को तक किया जाएगा और शेष लगभग 1 बजे तक की कार्रवाई चल रही है और उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या शेष सर्वेक्षण बाकी है या अभी फिर होगा। ठीक, लौटूंगे आपके पास धर्मेंद्र। और रंजना जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। रंजना जी, क्योंकि हिंदू पक्षकार की तरफ से तो ये कहा गया है कि पूरी जो सहयोग है वो इस सर्वे में किया जाएगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो बहिष्कार कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया गया है जहां पर आज इस बीच सर्वे चल रहा है वहां पर सुनवाई जो है वो होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, जब 2003 में राम जन्मभूमि परिसर के सर्वे की बात हुई थी तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आदेश हुआ था और मेरा परम सौभाग्य है कि उस सर्वे में भी पूरी प्रक्रिया में मैंने भाग लिया था।
क्योंकि श्री राम जन्मभूमि मुकदमे को मैं भी देख रही थी जी। तो उस समय भी मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के जो आदेश हुआ था माननीय न्यायालय का उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और उस सर्वे के आदेश का पूरे मंचों से खुले मंच से इन्होंने विरोध किया था। लेकिन इनकी ये बात कहीं सुनी नहीं गई क्योंकि सर्वे का आदेश एक वैधानिक विधि से विधि सम्मत आदेश था और राम जन्मभूमि में जीपीआर सर्वे हुआ, उसके बाद फिर एएसआई की खुदाई हुई और साक्ष्य और प्रमाण सामने आए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको इस बात का डर है कि अगर जीपीआर होगा, जीपीआर के बाद एएसआई अपनी रिपोर्ट देगी और सत्य तथ्य सामने आ गए तो उनके जो झूठ है उस पर से सारे पर्दे खुल जाएंगे, क्योंकि शुरू से हमारी जो मोक्षदायिनी नगरी है जो हमारे मंदिर है उन्हें तोड़ा गया। हम अपने मंदिरों के संरक्षण और धर्म संस्कृति संरक्षण के लिए माननीय न्यायालय के माध्यम से हम अपनी बात कह रहे हैं और न्यायालय में कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि ये लोग जो कह रहे हैं ये अपनी बात कह रहे हैं। पीड़ित पक्ष को सुनना न्यायालय का धर्म है, इस कारण न्यायालय हमें सुन रहा है। बिल्कुल रंजना जी, लेकिन राम मंदिर के दौरान भी हमने देखा कि काफी लंबा समय, काफी लंबा संघर्ष जो है वो चला और उसके बाद वो जीत यहाँ पर मिली। लेकिन अब अगर इस पूरे देखा जाए इस पूरे मामले में तो अभी कितना और समय यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि एक बहुत लंबा संघर्ष जो है वो यहाँ पर ना सिर्फ रहा है उन लोगों का जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है, बल्कि जो नंदी महाराज वहां पर विराजमान है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा जो अंतराल है समय का वो रहा है। नंदी महाराज तो ना जाने कब से इस भगवान भोले बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि न्यायालय की प्रक्रिया लंबी होती है और समय कितना लगेगा इसको कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन इसके बाद भी हम हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। हर लंबे जितना भी लंबा अंतराल होगा वैधानिक तरीके से हम अपनी बात कहते रहेंगे और अंततोगत्वा सत्य की ही विजय होगी, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। रंजना जी, क्योंकि एक बात यहाँ पर और मैं समझना चाहूंगी, वजू खाने का भी जो है वो उस परिसर का भी सर्वे नहीं किया जा रहा, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो वहीं पर टिकी हुई है। मुस्लिम पक्षकार की तरफ से उसे फुहारा बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर उस पर भी एक सर्वे अगर होता है तो बहुत बड़े खुलासे जो है वो हो सकते हैं, एक तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है आगे चलकर। देखिए अभी सराउंडिंग्स की, वेस्टर्न वॉल की, जहां माता श्रृंगार गौरी विराजमान है, हर जगह का जीपीआर करने के बाद उनका एज क्या है, उनमें क्या मटेरियल यूज हुए हैं, ये सारी चीजें सामने आएंगी। उसके बाद जिसको हम आदि विश्वेश्वर भगवान विराजमान कहते हैं, जिसको इन्होंने वजू खाना कहा है, जेम्स प्रिंसेप की किताब देख ली जाए तो जिसको ये वजू खाना कहते हैं उस स्थान पर 1885 की किताब, उस स्थान पर शिवलिंग के विराजमान होने की बात स्पष्ट कही गई है। और जिसको ये कहते हैं कि ये छेद है वजू खाना है, लोग जल चढ़ाते थे, जल सीधे गंगा जी में जाता था, तो सारी पुस्तक हमारे सामने रखी हुई है और इसमें ये सारा मेंशन किया हुआ, विदेशी ट्रेवलर्स इन्होंने अपने अकाउंट से सारी बातें कही हुई। तो ये सारी बातें, समय आएगा तो सारी बातें चैनल के फोरम से भी कही जाएंगे, बाकी तो हम लोगों ने अदालत के माध्यम से सारे एविडेंस दे दिए गए हैं, एक एक चीज को देखा जाएगा, एक एक पर वाद बिंदु बनेंगे और वाद बिंदु के आधार पर उनका निस्तारण होगा, उन पर एविडेंसेस होंगे। हाँ प्रक्रिया लंबी जरूर है, लेकिन इस प्रक्रिया से ना हम घबरा रहे हैं और ना ही हम डर रहे हैं कि इस लंबे समय में हम लड़ाई लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। ये लड़ाई प्रारंभ हुई है, हो सकता मैं ना रहूं, शरीर ना रहे, तो आने वाली पीढ़ी उसको आगे कंटिन्यू करेगी। धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि कुल मिलाकर जो चार टीमें हैं वो अभी सर्वे कर रही हैं वहां पर, जानकारी ये भी है कि अगर कुछ इस तरीके की स्पष्ट चीजें वहां पर मिलती है तो उसको लेकर खुदाई जो है वो भी वहां पर की जा सकती है। बाहरी दीवार है, अंतर का है, तैखाना है, तमाम ऐसी चीजें हैं। उसके साथ साथ जो हिंदू पक्ष ने दावा किया है लगातार कि वजू खाने के अलावा उसमें जो हिंदू चिन्ह मिले हैं, जैसे गणेश की प्रतिमा, स्वास्तिक के चिन्ह, तमाम ऐसे दावे जो हिंदू पक्ष ने कोर्ट में रखा था उसी आधार पे कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं जरूरी है, उस आधार पे कोर्ट ने आदेश दिया। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा जो सर्वेक्षण अभी फिलहाल चल रहा है वो ज्ञानवादी क्षेत्र जो तहजीब है उसके अंदर का चल रहा है, उसका भारी जो सर्वेक्षण हुआ है, उसके साथ साथ पढ़ने पे जो सर्वेक्षण टीम है वो मिट्टी की खुदाई करके मिट्टी का सैंपलिंग भी कर सकती है, क्योंकि कोई भी आदेश की अवेलना
चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। धर्मेंद्र चौबे से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश यहां पर करेंगे। रंजना अग्निहोत्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रंजना जी, एक बात यहां पर समझनी होगी, जाहिर तौर पर ये लड़ाई काफी लंबी चली है, संघर्ष काफी लंबा चला है और जो हिंदू पक्षकार है उनका संघर्ष भी यहां पर दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि आखिरकार हुआ क्या था उस दौरान, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इस पर। हालांकि अब ये लड़ाई जो है वो कोर्ट तक जा पहुंची है, लेकिन ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये काफी देखना होगा। निर्णय अगर हम कहें कि हम सत्य बोल रहे हैं तो सामने वाला मेरी बात को नहीं मानेगा, अगला पक्ष बोले सत्य बोल रहा है तो सत्य को नहीं मान, उसकी बात को भी सत्य का सत्य नहीं, सत्य सत्य का निर्णय होता है ऐतिहासिक पुस्तकों के आधार पर, साक्ष्यों प्रमाणों और सबूतों के आधार पर। ऐतिहासिक पुस्तकों तथ्यों साक्ष्यों प्रमाणों को विधि की वैधानिकता पर और विधि की कसौटी पर कसा जाता है, तब ये न्यायालय इस निर्णय पे पहुंचती है कि कौन सत्य बोल रहा है। मेरे कहने से या किसी अन्य व्यक्ति के कहने से ये बात नहीं मानी जाएगी। मेरे द्वारा कही गई बात, मेरे द्वारा दिए गए साक्ष्य प्रमाण ऐतिहासिक पुस्तकें को जब न्यायालय के समक्ष दिया जाएगा, न्यायालय ये सारी चीजों को न्याय की कसौटी पर कसेगा, तब सत्य का निर्णय न्यायालय करेगा। और हमने ये जो बातें कही हैं न्यायालय के विवेक पर, न्यायालय की विधि के वैधानिक जो भी प्रक्रियाएं होती है उस पर छोड़ रखा। हमने जो पुस्तकें लगाई हैं, हमने जो साक्ष्य प्रमाण लगाए हैं वो सत्य हैं, हम ये कहते हैं। दूसरा पक्ष ये प्रूफ करे कि हमने असत्य कहा है, ये तो न्यायालय बताएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसीलिए जीपीआर सर्वे और एएसआई का सर्वे आवश्यक है, क्योंकि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विज्ञान को तो कोई भी व्यक्ति दरकिनार नहीं कर सकता, वैज्ञानिक प्रक्रिया में जो चीजें सामने आएंगी उनको तो मानना ही होगा सबको। जी बिल्कुल, अनूप कुमार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। अनूप, क्योंकि आज एक तरफ ज्ञानव्यापी में एएसआई का सर्वे जो है वो सुबह से शुरू हो चुका है, अभी भी जो चार टीमें हैं वो सर्वे वहां पर कर रही है, दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्षकार है जो कि बहिष्कार कर रहे हैं इस सर्वे का, वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे और वहां पर सुनवाई चल रही है। फिलहाल वहां से क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट पहले से तारीख लगी थी, आज सर्वे भी सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका था। मुस्लिम पक्ष हालांकि सर्वे के खिलाफ था और यही वजह थी कि सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था याचिका, उसके बाद आज इस पे सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की उम्मीद है कि सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश दे या फिर स्टे करे, इसको लेकर वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन अभी सुनवाई चल रही है इसमें क्या इसमें कोर्ट निर्णय देंगे। फिलहाल अभी पैमाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है इस तरीके से ज्ञान व्यापी वावल में शुरुआती दौर से जो सर्वे हुआ था उसमें तमाम ऐसी चीजें जैसे स्वास्तिक निशान वाला जो ईंट कहीं मिले थे वहां पर, या फिर शिवलिंग को लेकर जिस तरीके से वहां पर बात चल रही थी, या और भी कुछ तथ्य ऐसे में मिले थे जैसे मस्जिद में वहां पर स्वास्तिक वाले ईंटे का जो वहां पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और यही सब साक्ष्य बनाकर कोर्ट ने उन साक्ष्यों को सही माना था, और यही वजह है क्या सर्वे के लिए दोबारा कोर्ट ने कहा था। अब मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के तरफ रुख अपनाया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उसको तलाश है, कब आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा उसके बाद किसके पक्ष में फैसला होगा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट नहीं बता सकता है, लेकिन एक बार मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से क्योंकि इस सर्वे के खिलाफ है, सर्वे को बहिष्कार किया है, और जब भी कोई विवादित ऐसा मामला होता है, सर्वे हो या फिर जमीनी कोई विवादित मामला होता है, तो दोनों पक्षों को वहां पर नोटिस दी जाती है, दोनों पक्ष को वहां पर पहुंचना होता है। फिलहाल सर्वे का काम जरूर वहां पर चल जारी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष वहां से विरोध कर रहा है, इस वजह से बायकॉट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष है वो वहां पर क्या कुछ निर्णय लेगा फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन अभी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ही देर में फैसला जब आएगा तो पता लगेगा कि मुस्लिम पक्ष में फैसला आया है या सर्वे का काम जारी रहेगा। ठीक,
लौटूंगी आपके पास अनुप, धर्मेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि देखिए वहां पर ज्ञानव्यापी के बाहर जो हलचल है वो भी यहां पर समझनी होगी। लोग वहां पर मौजूद है, धर्मेंद्र हम चाहेंगे वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे कुछ बात कीजिए, क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है क्योंकि अंदर अभी सर्वे भी चल रहा है और वहां के लोगों का अभी इस बीच क्या कुछ कहना है। धर्मेंद्र क्योंकि कुल मिलाकर अभी यहाँ पर स्थिति यहाँ पर ये है कि अंदर सर्वे यहाँ पर चल रहा है, क्या कुछ निकल कर आता है वो 4 अगस्त को रिपोर्ट जो है वो आगे सौंपी जाएगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी जो है मुस्लिम जो पक्ष है वो वहां पर पहुंचा है, वहां पर सुनवाई चल रही है। अभी आगे किस तरीके की तस्वीर ज्ञानव्यापी को लेकर हमें देखने को मिल सकती है या फिर ASI की रिपोर्ट के आधार पर आगे तस्वीर साफ हो पाएगी? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी चीज जो सर्वे का आधार है और वही दूसरी तरफ जो अजमल इंतजामिया की कमेटी है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है सही सर्वे उसके रोक के लिए, उसके साथ साथ जो वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश दिया है कि SI सर्वे पूरी तरह से कराया जाए, जो वजू खान है उसको छोड़कर वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में है और उसको सील किया गया एरिया को परिक्षेत्र का सर्वे कराया जा रहा है। आज जो सर्वे की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हुई है वो चारों बाहरी दीवारें जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र की है उसको लेके सर्वेक्षण टीम ने किया, उसके बाद चार भागों में टीम SI की बटी और चार भागों का सर्वेक्षण बाहरी दीवारों का किया गया। उसके साथ साथ मौजूद थाने में SI टीम अब एंट्री कर चुकी है, उसके साथ साथ जिला प्रशासन है और वजू थाने की जो लगातार हिंदू पक्ष ने शुरू से ही दावा किया था और जो कमीशन की रिपोर्ट दी गई थी उसकी स्पष्ट लिखा गया था कि जो हिंदू चिन्ह मिले हैं मिले तमाम ऐसी चीजें उन चीजों का जो दावा हिंदू पक्ष लगातार करते हैं और इस बार भी जो दावे हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विश्व संगठन ने कोर्ट में रखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए धर्मेंद्र, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका, रंजना अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनूप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, इस बीच आ रही बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जी हां, सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है, दूर दूर से फरियाद लेकर फरियादी पहुंचे हैं यहां पर। बता दें सीएम ने एक एक करके सबकी फरियाद सुनी है, अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाए गए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दूर दूर से फरियादी यहां पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं, मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दर्शन। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। जी हां, गोरखपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मानसरोवर मंदिर जाएंगे सीएम योगी, इस वक्त की बड़ी खबर। मंदिर में सीएम योगी करेंगे रुद्राभिषेक, तो मंदिर में चल रहे कथा में शिरकत भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। मंदिर में चल रहे कथा में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर बड़ी जानकारी लखनऊ से। भाजपा में आज होगी बड़ी ज्वाइनिंग। जी हां, बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है, कई पार्टियों के नेता इसमें शामिल होंगे, RLD नेता राजपाल सैनी इसमें शामिल होंगे, पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी सपा नेता जगदीश सोनकर शामिल होंगे, सपा नेता सुषमा पटेल भी ज्वाइन करेंगे, पूर्व विधायक अंशुल वर्मा भी ज्वाइन करेंगे, पूर्व विधायक गुलाब सरोच भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, बीजेपी का कुंभा बढ़ता हुआ, कई पार्टियों के दिग्गज आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।